अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन मंदी, जो कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी। और मैंने कौन सा सूट पहना हुआ है ये मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगी, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा वीडियो के एंड में, तो इसलिए आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है। तो जी चिकन मंदी मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी में बना रही थी और टाइम से पहले ही थोड़ा सा मेरे हस्बैंड आ गए, तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं बना लूँ। तो बस मैं इसको धुआं दे रही हूँ। चिकन मैंने इतना कुछ स्टीम कर दिया था कि वो बिल्कुल ही घुल सा गया था। और आज ही मैं आपके लिए बना रही हूँ बेकरी स्टाइल चिकन पैटीज, जिसका मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, मंगा लेना है पफ, अगर आपके घर से करीबी कहीं मिलता है तो वहाँ से मंगवा लें, नहीं तो बहुत आसान है जी, आप तराज पे ऑर्डर कर सकते हैं। पफ के नाम से लिखेंगे तो आपको ऑप्शंस मतलब आ जाएंगे और आपने मंगवा लेना है। इसकी कोई बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं है, 700-800 में विद डिलीवरी चार्जेस मुझे मिल गया था। हाँ ये है कि इसको दिन थोड़े से लग जाते हैं, 10 दिन में ये मुझ तक पहुँचा था और बहुत अच्छी पैकेजिंग में था। मैंने इसको आते ही फ्रीज कर दिया था और अब मैं इसके साथ आपको इसके मतलब पूरी फुल रेसिपी दूँगी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी 1 kg मैदा के साथ, 1 kg मैदे के साथ बना रही हूँ। मैंने 1 कप पानी डाला, उसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 3 चम्मच मैं इसमें चीनी के ऐड कर रही हूँ और 4 चम्मच मैं इसमें डालूँगी तकरीबन ऑयल के, 4 चम्मच ही मैंने लिए थे। और बस इसको मैंने घोल लेना है, ये पानी इनफ नहीं है, थोड़ा सा पानी आपको और लगेगा, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आपने इसको बिल्कुल सख्त गूंदना है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना लेकिन सख्त होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे इस तरह नरम नरम जैसे पूरियों का गूंद लेते हैं उस तरह नहीं, थोड़ा सा हार्ड आपने आटा गूंदना है। ठीक है, पानी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ा मैंने अपने हिसाब से पानी ऐड किया था और इसको गूंद के और थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था। अच्छा जी, आटा गूंद के मैंने रख लिया था और ये मैंने 1/2 kg लिया है पफ। अच्छा पफ जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और वैसे भी मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था, उसे 1 दिन पहले मैंने फ्रिज में रख दिया था फिर ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, लेकिन अभी भी ये हार्ड था। तो खैर मैंने इसको पटक पटक के मारा तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था और देखिए मेरे रुमाल का कलर भी थोड़ा सा उतर आया था। चलो खैर है जी, मैंने इसको थोड़ा सा फैला लिया था हाथ से, इसके अंदर मैंने पफ रख दिया थोड़ा सा नरम करके और बस मैं इसको लपेट रही हूँ। अब क्या करना है कि असल काम आपका अब है, अब इसको बेल बेल के इसको फोल्ड करते जाना है, फिर बेलना है, फिर फोल्ड करना है। ये प्रोसेस हमने कोई सोनी और मैंने 3-4 घंटे हमने किए रखा थोड़ा सा रेस्ट दे दे के। और याद रखिएगा, इसको रेस्ट देने के लिए आपने फ्रिज में नहीं रखना क्योंकि फिर पफ जो है ना और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो आजकल जैसे कि सीज़न है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो मतलब रूम टेम्परेचर में ही रेस्ट के लिए रखना है। इस तरह से मैंने इसको बेल बेल के, और बेलना बहुत हार्ड तरीके से नहीं बेलना, इसको सॉफ्टली बेलना है ताकि पफ जो है ना वो बिल्कुल ही अंदर से प्रेस ना हो जाए और निकलने ना लग जाए। बस इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर करके इसको कई बार इसको मैंने फ़ोल्ड किया है, मैंने तकरीबन इसको 10 से 15 बार मैंने इसको फ़ोल्ड किया और खूब हमारा ज़ोर भी लगा था सोनिया का और मेरा, क्योंकि पफ जो है वो हार्ड होता है, उसको बेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
अच्छा जी, आपके सामने तो मैंने प्रोसेस को 3 से 4 बारी दिखाया होगा, लेकिन मैंने इसको काफ़ी देर के लिए इसको बेला, फिर फोल्ड किया, फिर बेला, फिर फोल्ड किया। अच्छा, आप ये जो पफ पेस्ट्री है ना, ये पफ पेस्ट्री है बेसिकली। मैं आपको पफ पेस्ट्री और पैटीज पूरा एक मतलब दिखा रही हूँ, ताकि कोई भी अगर रेसिपी देखना चाहे तो उसको एक ही वीडियो में सारा कुछ मिल जाए। तो ये पफ पेस्ट्री बना के आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप एक ही बारी बनाएं, अगर आपके पास ज़्यादा पफ है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि 2 kg मैदे में 1 kg पफ जाता है और 1 kg मैदे में 1/2 kg पफ जाता है। बस ये मेजरमेंट आपने याद रखनी है। तो बस आप इस तरह पफ पेस्ट्री बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है आपको पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ। तो मैं पैटीज भी अभी बना लूँगी। अच्छा, मैंने पफ पेस्ट्री बना के उसको फ्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट डे मैंने उसको 2 से 3 घंटे पहले निकाला, ताकि वो सेट हो जाए थोड़ी सी और मैं इसके पैटीज बना लूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ इसकी फिलिंग। मैंने ले ली जी तकरीबन 3 breast fillet थे, मैंने वो ले लिए। उनको थोड़ा सा पानी में बॉयल कर लिया, नमक वाले पानी में, और वो पानी फेंकना नहीं है, आगे वो सॉस में भी काम आएगा। इसके बाद मैंने उसको चॉपर में डाल के उसको चॉप कर लिया था, बारीक कर लिया था। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने ऑयल डाला जी थोड़ा सा, मतलब 1/2 cup ऑयल डाला है। मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज जो है ना चॉप करके वो डाल दी है, और 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और 5 हरी मिर्चें मैंने बारीक डाल के, बारीक काट के वो भी डाल दी हैं। अब इसमें चला गया जी नमक हसबे ज़ायका। काली मिर्चें मुझे ज़्यादा पसंद हैं तो मैंने ज़्यादा डाल दी हैं, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। 1 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, और 1 चम्मच मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च ऐड की है, 1 चम्मच मैंने इसमें मैदा डाला है। अब इसको थोड़ा सा जी मिक्स करेंगे, क्योंकि इसकी आपको पता है कि वाइट वाइट टाइप सॉस होती है। अच्छा, दूध मैंने 1 cup लिया था, लेकिन मेरा 1 cup नहीं लगा था, मेरा थोड़ा लगा था, 1/2 cup लगा था, और शायद मैंने स्टॉक भी इसमें डाला था, लेकिन मैं वीडियो में दिखाना भूल गई, तो वो भी आपने ऐड कर देना है। तो बस मैंने दूध भी इसमें डाल दिया था, 1/2 cup ही जितना मैंने डाला होगा। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और इसके बाद इसमें डालेंगे चिकन, जो कि मैंने चॉप करके रखा हुआ था। बारीक नहीं पसंद तो आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा भी कर सकते हैं, मैंने बारीक कर लिया था, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो चीज़ डालें, आप चाहें तो चीज़ ना डालें, लेकिन मेरे घर में जी मेरी बेटी को बड़ी पसंद है, तो बच्चों को जैसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो मैंने अच्छी खासी जो है ना वो मोज़रेला चीज़ डाली है। आप चाहें तो चेडर चीज़ डाल दें, मोज़रेला डाल दें, या जो पिज़्ज़ा वाली आती है उसमें 2-3 चीज़ का मिक्सचर होता है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये जी हो गई हमारी फिलिंग रेडी। अच्छा, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, इसके साथ क्रीम रोल भी बन सकते हैं, चिकन पैटीज बन सकती हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, और कम कीमत भी है, मतलब आप अगर एक पैटी लेते हैं तो अच्छा खासा महंगा आता है, लेकिन घर में आप कितने ही बना लेते हैं, माशाल्लाह से बहुत बरकत पड़ जाती है। बस ये मैंने 2-3 घंटे पहले पफ पेस्ट्री को निकाल के रख दिया था। अब देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और परफेक्ट हमारी बन चुकी है। अच्छा जी, मैं कटर के साथ काट रही हूँ। मेरे पास रेक्टेंगुलर भी है और मेरे पास गोल वाला भी है, तो आप चाहें तो कोई कटोरी की मदद से भी कर सकते हैं, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है। इसको देखें जी, थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया था जो हमारी फिलिंग है चिकन वाली, और बस इसको सिंपल मैंने अभी मैं आपके सामने आपके लिए मैं 4 से 5 बेक करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो बस मैंने इस तरह से इसको रख दिया, ऊपर से मैंने इसके फिलिंग रखी, और फिर मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, एग वॉश कर दूंगी, और तिल डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो ऐसे ही बना लें, बहुत अच्छी बन जाती है। तो बस जी, ये हो गए रेडी। अब मैं इसको बेक करूंगी 180 पे। इसको मैं कम से कम आधे घंटे के लिए बेक करती हूँ। अच्छा, ऊपर से मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, किसी भी चीज़ से आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि फिलिंग जो है ना वो बाहर नहीं निकले और थोड़े से ये जुड़ भी जाएँ आपस में।
और ये देखें जी, कलर भी बहुत अच्छा सा आ चुका है और हमारी जो पैटीज़ हैं वो बेक हो चुके हैं और देखें साइज़ में भी वो डबल हो चुके हैं। और इसके लेयर्स तभी आते हैं जब आप इसको अच्छा सा बेलते हैं। तो इसके छोटे छोटे लेयर्स थे अंदर, ये अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन ये थोड़ी देर बाद ही इसके बड़े अच्छे से लेयर्स बन चुके थे। अच्छा, आप इनको बना के भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप कम से कम इसको 1.5 से 2 महीनों के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस तरह कच्चा बना के। आप इनको वैसे भी बेक करके भी रख सकते हैं आराम से, हफ्ता एक आराम से चल जाता है। तो बस मेरे पास क्योंकि अब आटा काफ़ी सारा है तो मैं इसके पैटीज़ बना के रख लूँगी। हो सकता है हमारे रमज़ान से पहले ही ख़त्म हो जाए, मुझे और बनाने पड़ें। हो सकता है रमज़ान में भी थोड़े बहुत रह जाएँ, तो मैं खैर मुझे बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें तो बहुत ही पसंद आए थे। और बाकी ये जो इस तरह से लेयर बची है तो इसको भी मैं इस तरह से बस बेल के रख दूँगी। इसके भी मतलब पफ पेस्ट्री की असल मेहनत तो हो चुकी है ना, तो बस इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इसको मैं दोबारा से अभी फ्रिज में रख दूँगी। इसका क्या बनाना है बाद में देखूँगी। और यहाँ पे जी हम लगे हुए हैं बनाने में, और नो डाउट मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत किस चीज़ में नहीं होती, हम समोसे भी बनाते हैं, हम देखो चिकन रोल भी बनाते हैं, कितनी चीज़ें हम बनाते हैं, मेहनत तो लगती ही लगती है। और हमारा भी काफ़ी टाइम लगा था और काफ़ी मेहनत से हमने ये वीडियो भी बनाई है। तो वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा ये है कि अगर आप एक बार ही बना के रख लेते हैं तो आपके काफ़ी दिन आराम से आप चाय के साथ बनाए, मेहमानों के लिए आप बेक करके उनके सामने रखें, देखें लोग कितने इंप्रेस होंगे कि बिल्कुल बेकरी स्टाइल आपने चिकन पैटीज़ घर में बनाए हैं। और इंशाल्लाह आगे मैं इसके क्रीम रोल जो हैं इसके साथ बहुत सारी वेरिएशन हो सकती हैं तो मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। तो हमने काफ़ी सारे बना के ये फ्रीज़ कर लिए थे तो रमज़ान में हो सकता है चलें, हो सकता है उसे पहले ही ख़त्म हो जाएँ, देखते हैं। अगर पहले ख़त्म हो गए तो मैं और भी बना लूँगी। और आप इसको 1.5 से 2 महीने आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बस इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, जमा लिया था, मैं इसके छोटे छोटे पैकेट बना के रख लूँगी। और बस मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। चलूँ मैं जहाँ जाए तू।